राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब करीब 6 महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में हम लेकर आए हैं विधानसभा वार, हर सीट का विस्तृत कवरेज। इसमें हम आपको बताएंगे प्रत्येक विधानसभा की भौगोलिक स्थिति, वहां का जातिगत समीकरण, पिछले 25 सालों के विधानसभा चुनाव में जीत हार का इतिहास, वहां के विजेता उपविजेता, जनता का मूड, वोट शेयर और भी बहुत कुछ। इस कड़ी में आज हम जयपुर की जमवा रामगढ़ सीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस सीट पर कुल जनसंख्या में से करीब 15.49% SC, वहीं 30.86% ST वर्ग के वोटर आते हैं, जो निर्णायक भूमिका में है। SC और ST के बाद इस क्षेत्र में ब्राह्मण और गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव है। 2008 से विधानसभा सीट ST वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं अगर इस सीट के इतिहास की बात की जाए तो समझ में आता है कि सीट पर बीते 25 सालों में से 3 बार कांग्रेस जीती है और 2 बार BJP ने जीत दर्ज की है। वर्तमान में भी यहां से विधायक कांग्रेस की गोपाल मीणा है, जिन्होंने BJP के महेंद्र पाल मीणा को लगभग 21,000 वोटों से हराया था। वहीं अगर बात करें इससे पहले के चुनाव की तो 2013 में BJP के जगदीश नारायण मीणा ने कांग्रेस के शंकर लाल को हराया। 2008 में कांग्रेस के गोपाल मीणा ने BJP के जगदीश नारायण मीणा को हराया। 2003 में BJP के लक्ष्मी नरेन बेरवा ने निर्दलीय अशोक तंवर को हराया। 1998 में कांग्रेस के अशोक तंवर ने BJP की लक्ष्मी नारायण बेरवा को हराया। ये भी कहा जा सकता है कि ये सीट राजस्थान में सत्ता के साथ रहती है, यानी जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है उसी पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है। बीते 25 सालों से एक बार कांग्रेस एक बार BJP का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये बात तो तय है कि इस विधानसभा सीट पर ST/ST का मतदाता निर्णायक है। जो भी नेता इन दोनों वर्गों को साधने में कामयाब हो जाएगा उसका यहाँ से जीतना लगभग तय है।